इंडिया के चंद्रयान 3 के बाद आज पूरी दुनिया में मून पर जाने की एक होड़ सी लगी हुई है। इस दौड़ में कई देश हिस्सा ले रहे हैं, इन्हीं में से एक जापान भी एक है जो मून पर अपना स्पेसक्राफ्ट भेजकर फिफ्थ नेशन बनना चाहता है। जापान का मून मिशन इंडिया के द्वारा मून के साउथ पोल पर चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक उतारने के 2 हफ्तों के बाद आया। वेदर कंडीशन के चलते कई बार इसमें देरी भी हो गई, मगर 7 सितंबर 2023 को मून स्नाइपर को लॉन्च कर दिया गया। जापान की स्पेस एजेंसी जैक्सा ने अनाउंस किया कि H2A रॉकेट को साउथर्न जापान के तनेगाशिमा स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। ये रॉकेट जापान के मून स्नाइपर लैंडर को कैरी करके ले जाएगा, जिससे साइंटिस्ट को ये उम्मीद है कि ये मून की सरफेस को 4 से 6 महीनों में उसे टच कर लेगा। जापान के लैंडर, जिसे आमतौर पर साइंटिस्ट के द्वारा स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेशन मून कहा जा रहा है, को मून पर 328 फीट के स्पेसिफिक टारगेट पर उतरने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह कई किलोमीटर के समांतर अंतर से कहीं अधिक सटीक है। लॉन्च से पहले जैक्सा ने कहा कि स्लिम लैंडर बनाकर जहां हम चाहते हैं कि वहां उतरने में यह सक्षम होने की दिशा में गुणात्मक बदलाव लाएगा, ना कि केवल वहां आसानी से उतरना होगा। स्पेस एजेंसीज के मुताबिक मून जैसे महत्वपूर्ण ग्रेविटेशनल वाली खगोलीय पिंडों पर पिन पॉइंट लैंडिंग का कोई पिछला उदाहरण नहीं है। जैक्सा के मुताबिक इस तरह की सटीक लैंडिंग से भविष्य के द्वार खुलेंगे, जहां मून की तुलना से कम रिसोर्सेस वाले ग्रहों पर लैंडिंग हो सकती है। ये रॉकेट एक रिसर्च सैटेलाइट को, जो कि जैक्सा US नेशनल एरोनॉटिकल नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ईसा के द्वारा डेवलप सैटेलाइट को भी अपने साथ कैरी करके लेकर जाएगा। इसके साथ ही ये एक रिसर्च सैटेलाइट स्लिम को लेकर भी जाएगा, जिसका काम हॉट गैस प्लाज्मा विंड्स, जो कि यूनिवर्स में बहती हैं, इसको ऑब्जर्व करना है। इसके मास और एनर्जी के फ्लो के साथ साथ स्पेस ऑब्जेक्ट्स की संरचना और विकास को समझने में भी मदद मिलेगी। जापान के द्वारा मून पर लैंडिंग के कई प्रयास विफल रहे हैं, जिसमें से पिछले साल का प्रयास भी शामिल है, जब उन्होंने ओमोटोनाशी नामक एक प्रोब को भेजा था, जो कि US आर्टिमिस प्रोग्राम का हिस्सा था। ओमोटोनाशी दुनिया का सबसे छोटा मून लैंडर था। ओमोटोनाशी, जिसमें 60 क्यूब सेट हैं, जिसका अप्रॉक्सीमेटली वेट 14 kg तक था, अगर इसके कंपैरिजन में देखें तो ये बहुत छोटा था चांद की सरफेस पर उतरने के लिए। जिस US के आर्टिमिस्ट मिशन के जरिए इसे स्पेस में लॉन्च किया गया था, उसे 16 नवंबर 2022 को लॉन्च किया गया था, पर इसको लॉन्च करने के कुछ ही देर बाद इससे कॉन्टैक्ट टूट गया था। आईस्पेस नामक एक जैपनीज कंपनी है, जिसका की मकसद चंद्रमा पर अपना प्रोब भेजकर वहां पर जांच करना है। ये चाहते हैं कि वो इससे मून पर होने वाली गतिविधियों को समझे और वहां पर मिलने वाले मिनरल्स के ऊपर जांच करे, मगर वो अपने इस एम्बिशन को सफल नहीं कर पाए हैं अभी तक। जापान का लॉन्चिंग टाइम इंडिया के मून मिशन के चंद्रयान 3 के 2 सप्ताह के बाद हुआ। इंडिया साउथ पोल पर स्पेसक्राफ्ट को उतारने वाला पहला देश है। इंडिया के अलावा अमेरिका, रूस और चाइना ऐसे देश हैं जिन्होंने मून पर सुरक्षित रूप से स्पेस में यान को उतारा है। अगर हम इस मिशन की कॉस्ट की बात करें तो ये $100 मिलियन तक पहुंच जाएगा मून तक पहुंचते पहुंचते। इसको लॉन्च करने के लिए जो रॉकेट यूज़ किया गया है, वो जापान का अपना बनाया हुआ HIIA रॉकेट है, जिसकी की स्पीड 9000 से 16000 किलोमीटर प्रति आवर है। यह रॉकेट यूज़ किया जाता है जब हाई स्पीड रिक्वायर हो, और इस रॉकेट को लॉन्च करने की कॉस्ट ही $90 मिलियन है। तो फिर आप सोच ही सकते हो कि आखिर क्यों इसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा थी, मगर इतना फास्ट होने के बावजूद भी इसे 4 से 5 महीनों तक का समय लगेगा मून तक पहुंचने में, क्योंकि यह भी दूसरे स्पेसक्राफ्ट की तरह ही अर्थ की ग्रेविटी और ऑर्बिट का यूज़ करके ही मून तक पहुंचेगा, जैसे चंद्रयान 3 को वहां तक पहुंचाया गया था। दोस्तों, हमने कई बार नोटिस किया है कि कुछ व्यूवर्स हमारी वीडियोज़ को देखते तो हैं पर उसे लाइक नहीं करते हैं। अगर आप हमारी वीडियो को लाइक नहीं करोगे तो हमारा मोटिवेशन नहीं बना रहेगा, तो प्लीज़
वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी को दबाना मत भूलिएगा।